नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और इसीलिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने जो वोटर लिस्ट हैं, सभी वोटर लिस्ट, अपडेटेड वोटर लिस्ट को पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। और वहाँ से अब उस वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, वो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सिंपली हमने अपना गूगल क्रोम ओपन किया है और गूगल पे सर्च किया दोस्तों वोटर लिस्ट डाउनलोड, और इसको लिखने के बाद सर्च किया है तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इलेक्टोरल रोल ब्रैकेट में लिखा है डाउनलोड। तो इस पे हम दोस्तों क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल दोस्तों हमारे सामने देखिए ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्टेट चूज करेंगे कि कौन से स्टेट के वोटर लिस्ट हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेट चूज कर ली है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट में मैं कोई भी रेंडमली चूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए अलीगढ़ मैंने चूज कर लिया, और अलीगढ़ में फिर असेंबली है, तो असेंबली में देखिए 71 पे खैर असेंबली आ रही है, इसको हमने चूज किया। उसके बाद लैंग्वेज चूज करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे है, और अब यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे तो कैप्चा फिल कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे अब यहाँ पे देखिए ये हमारी वोटर लिस्ट देखिए इसने दिखाना शुरू कर दिए हैं। और प्रत्येक बोलिंग जो पोलिंग बूथ है, एक पोलिंग बूथ के लिए एक वोटर लिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए तीन नाम आपको सेम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है कि ये अलग अलग पोलिंग बूथ हैं, और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे देखिए ड्राफ्टेड रोल और फाइनल रोल। तो 2024 के लिए जो रोल है वो फाइनल हो चुका है। अब देखिए मैं पहला ही रोल यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, फाइनल रोल 2024, ये डाउन एरो है, इस डाउन एरो पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे। अब देखिए क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट है जो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, और उसका जो साइज है दोस्तों वो साइज भी काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, और ये हमें यहाँ दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसी को देखिए हम क्लिक करके ओपन करते हैं, तो हमारी जो वोटर लिस्ट है अब वो देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशन की तिथि 23/1/2024, यानी कि 23 जनवरी 2024 को ये जो वोटर लिस्ट है ये यहाँ पे अपलोड की गई है। तो बिल्कुल लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हुई है। इसके बाद अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए आप अपने नाम वगैरह सारे इसमें देख सकते हैं, और अगर किसी के नाम डिलीट किया है या नया ऐड किया है वो सारा ही दोस्तों आपको इस वीडियो में, इस लिस्ट में दिखाई देगा। और इस तरीके से आप पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।